नमस्कार। सो नीट का रिज़ल्ट कल रात को आ गया, मैंने आप सबको अपडेट कर दिया था और रिज़ल्ट को लेके जो एक फर्स्ट लेवल एनालिसिस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, पेपर लोग कहते थे पेपर मुश्किल है और आप देखेंगे तो बिल्कुल पेपर ज़रा सा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद इट सीम्स कि बच्चों ने बेटर परफॉर्म किया है और पेपर अल्टीमेटली मुश्किल ना हो के शायद आसान साबित हुआ है। फिर लोग कह रहे हैं कि सर अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ गिर क्यों गई है, तो अब समझिए कट ऑफ ना नीट में कई तरह की है। सबसे पहले या जो सबसे ऑब्वियस कट ऑफ होती है जो आपको हमेशा हर स्कोर कार्ड के नीचे लिखी आती है वो होती है क्वालिफाइंग कट ऑफ। और इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहूँगा, मैंने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर डाल रखा है कि नीट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्विकली बताऊँ तो जितने बच्चे टोटल पेपर देते हैं उनको हम कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटते हैं। तो जनरल कैटेगरी में हर 100 में से टॉप के 50 पास हैं, नीचे के 50 फेल हैं। ओबीसी एससी एसटी में 40-40, फिर जनरल पीडब्ल्यूडी में 45, ऐसे रूल चलता है। तो लास्ट ईयर अगर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 147 थी, दैट मीन्स ओवरऑल 50% जो स्कोर था वो 147 था, तो इस बार तो गिर के 138 हो गया है। तो लोग कह रहे हैं सर इसका मतलब पेपर मुश्किल था तभी तो कट ऑफ गिरी है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस साल जिन लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया है वो पिछले साल से तकरीबन 2 लाख ज़्यादा थे। यस, तो अब इस फिगर को नोट कीजिए, पिछले साल 147 नंबर के ऊपर 6,82,406 बच्चे थे, 6,80,000 मोटा मोटी, जबकि इस साल 138 नंबर के ऊपर जो कि कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 7,70,000 हैं। सो एग्जैक्टली 90,000 बच्चे ज़्यादा हैं। सिमिलरली जो 50 से 40% का ब्रैकेट होता है उसमें लास्ट ईयर भी 90,000 थे, इस साल 95,000 है, जो कि ओबीसी एसटी एसटी मिला के बनते हैं। सो टोटल हम देखें तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, क्योंकि सीधी सी बात है जब 2 लाख बच्चे एक्स्ट्रा पेपर में बैठेंगे तो उसके आधे को ज़्यादा क्वालिफाई करना ही है। मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, अदरवाइज ओबीसी एससी एसटी में 40% फेल होते हैं, 60% पास होते हैं। तो इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि कट ऑफ गिर गई है, क्योंकि अटैम्प्ट जो हुआ वो 2 लाख बच्चों ने ज़्यादा करा तो 1 लाख बच्चे ज़्यादा पास हुए। और क्वालिफाइंग का रूल क्या है कि अगर 16 लाख बच्चे ने पेपर दिया है तो पहले 8 लाख 50% वाले सारे पास, करेक्ट। अब वो जो 8 लाख और 14 लाख ने दिया है तो 7 लाख, तो 1 लाख तो बढ़ गए ना, तो इस 1 लाख की वजह से नंबर नीचे आ गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर टेक्निकली आसान क्यों साबित हुआ है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बच्चों के स्कोर कार्ड आए हैं। मैंने 5 बच्चों के स्कोर कार्ड पकड़े हैं जो कि अलग अलग मार्क्स रेंज में हैं। एक हमारे स्टूडेंट के 627 नंबर भी आए हैं। इसमें खैर थोड़ा ये है कि 627 नंबर के आसपास आपको 9,100 रैंक मिल रही है, लास्ट ईयर 9,300 रैंक थी। इस फिगर से पता चलता है कि पेपर मुश्किल था, क्योंकि 627 के ऊपर लास्ट ईयर 9,300 बच्चे थे, इस साल 9,100 बच्चे हैं। इससे ये साबित होता है कि 650 के ऊपर लोगों के लास्ट ईयर के मुकाबले कम नंबर आए हैं, 650 के ऊपर। तो जो बिल्कुल टॉप बच्चों ने करना था उसमें शायद वो फिजिक्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का असर पड़ा है, बट थोड़ा सा, मतलब मैंने कहा ना 627 में 200 बच्चे कम हो गए जिनके 627 के ऊपर है। फिर नेक्स्ट रेंज आती है, बिल्कुल बराबर शुरू हो जाते हैं, 476 नंबर इस साल रैंक है 1,06,580 और लास्ट ईयर रैंक थी 1,07,000। 467 मार्क्स भी इस साल 1,15,731, लास्ट ईयर 1,15,123। आपको पता है एक रैंक में ही 600-600 बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल सेम चल रहा है। 389 मार्क्स फिर इस साल 2,06,000, लेकिन लास्ट ईयर 1,98,000, दैट मीन सब बढ़ने लग गए हैं। और नीचे आते हैं जी, 244 नंबर लास्ट ईयर रैंक थी, इस साल रैंक है सॉरी 4,54,000, लास्ट ईयर रैंक थी 4,25,000, दैट मीन्स 244 नंबर के ऊपर इस बार 4.5 लाख बच्चे हैं, जबकि पिछले साल 4.25 लाख बच्चे थे। तो 25,000 बच्चे ज़्यादा हैं जो 224 नंबर से ज़्यादा लेकर आए हैं, राइट। 226 नंबर पे इस साल 4,93,000 है, पिछले साल 4,64,000 थे। तो सेम एग्जैक्टली फिगर, तकरीबन 26-23,000 बच्चे ज़्यादा हो गए जो 226 नंबर लेकर आए हैं, विच मीन्स, अब यह समझिए, दैट मीन्स 620-30 के ऊपर बच्चे कम हुए हैं, दैट मीन्स टॉपर्स की जो कट ऑफ है वो गिर सकती है ज़रा सी। मतलब एम्स की अगर रफली बोल रहा हूँ, 680 पे मिला था लास्ट है, तो शायद इस साल 678 पे मिल जाए, 77 पे मिल जाए। तो सिमिलरली
वो चलेगा। प्लस हमें पता है कि इस बार ऑल इंडिया कोटा की सीट्स बढ़ने वाली है, क्योंकि कई स्टेट्स में सरकारी कॉलेज की सीट्स बढ़ी हैं, तो मैं ये मान सकता हूँ कि सरकारी कट ऑफ जो है ना वो शायद 5 से 10 नंबर गिर सकती है पिछले साल के मुकाबले। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल टॉपर्स में रिजल्ट थोड़ा सा डाउन है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया 627 नंबर वाले का, मिडल में आते आते सेम हो जाता है, तो 467 476 के ऊपर सेम बच्चे हैं। दैट मीन्स उसके बाद जो बच्चे हैं वो आने शुरू हो गए, और फिर 200 की लाइन में आते आते बच्चे बल्कि बढ़ गए हैं। ऐसे समझिए, बिल्कुल जो 600 के ऊपर जिसे हम सरकारी कॉलेज की रेंज कहते हैं जनरल कैटेगरी के लिए खासकर और उसके आसपास, उसमें शायद कट ऑफ 10 नंबर कम है। लेकिन जब 450 से हम 400 से हम 600 की बात करें, मतलब अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, सो बिल्कुल लास्ट ईयर के बराबर कट ऑफ चलेगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा रैंक बताई है, क्योंकि रैंक इज़ द ओनली थिंग कि आप कहाँ खड़े हो अपने कंपटीशन के मुकाबले। लेकिन 200-250 की रेंज में आते आते आपका कंपटीशन इंक्रीज हो गया है 300 की रेंज में आते आते, विच मीन्स आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। आपको अगर 300 नंबर पे पिछले साल आपके ऊपर जैसे मैंने कहा जितने बच्चे थे, इस बार उससे 25-30 हज़ार बच्चे फालतू हैं, विच भी जो आपके लेवल की कॉलेज की कट ऑफ है वो एक तरह से आपके लिए बढ़ जाएगी, सरकारी के लिए 10 नंबर कम हो जाएगी, टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेज के लिए सेम है, और थोड़े से नीचे वाले प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ बढ़ जाएगी। सरकारी थोड़ी सी कम, 450 से 600 बराबर, 200 से 350 कट ऑफ ज़्यादा। तो ये तीन रेंज फिलहाल साबित आ रही हैं 600 स्कोर कार्ड ओवर में एनालिसिस करूं, और डेफिनेटली क्वालिफाइंग नीचे है तो इट मीन्स ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए हैं। मैं बार बार समझाता हूँ क्वालिफिकेशन का सिर्फ ये फ़ायदा होता है जब टोटल इस बार हैं ही जैसा कि मैंने कहा मोर देन 770 प्लस, मतलब 8.5 लाख बच्चों ने पेपर पास किया है, तो सीटें तो खाली 85 हज़ार ही है ना। तो बस क्वालिफाई का फ़ायदा ये होता है कि आप MBBS अब्रॉड के लिए एलिजिबल हैं, BDS कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथी के लिए एलिजिबल हैं। और बाद में देखिए ये भी होता ही है, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है कि फिलहाल 50-40 है, लेकिन 10% का ग्रेस मिल जाता है BDS एडमिशन्स के लिए। सो जनरल कैटेगरी 40, नॉन जनरल 30 तक भी चला जाता है, और कभी कभार तो उसको और बाद में ग्रेस दे देते हैं अगर डेंटल कॉलेजेस रिक्वेस्ट करते हैं। सो जो लोग क्वालिफाई से 2-4 नंबर 5 नंबर अभी नीचे हैं और वो अगर BDS के लिए ओपन है, सो डू नॉट लूज हार्ट। ये डिबेट MBBS अब्रॉड के लिए नहीं मिलती है, लेकिन इंडिया में पढ़ने के लिए BDS वगैरह के लिए बाद में, अभी नहीं बोलेंगे 1.5 महीने बाद BDS के लिए 10% स्कोर अक्सर कम कर दिया जाता है। सो ये ब्रॉड लेवल का एनालिसिस है, इसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो कह रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टॉपर्स मैं रिपीट 5 से 8 नंबर कट ऑफ कम कॉलेज बाय कॉलेज, 400 से 550 बराबर, 200 से 350 कट ऑफ ज़्यादा। तो अगर कोई कॉलेज लास्ट ईयर 300 नंबर में मिल रहा था, इस बार शायद 330 पे मिलेगा बजाय के 270 पे मिलने के उस रेंज में। सो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजीज अपने काउंसलर की हेल्प से या खुद से बनानी है। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।